सेनम, अब मैं क्या करूं? जीजी को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो दोस्त बन जाते हैं वाली बात उससे वो कंफ्यूज हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है उसे, समझ नहीं आता। हाँ, सारे मर्द हमेशा कंफ्यूजिंग बातें ही करते हैं, और जीजी कोई खास नहीं है। एक बात पूछूं, तुम्हारे दोस्त के पास वो कौन सी लड़की खड़ी है? बॉम्बी, गामजे, जान की दोस्त। हाँ बॉम्बी, वो यहाँ क्या कर रही है? जान ने उसे बुलाया है, वो उसमें दिलचस्पी रखता है, और मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, आखिर हम तो दोस्त है ना। काफी खूबसूरत है ना? क्या खूबसूरत नहीं, तो तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, और उसे उसमें दिलचस्पी क्यों होने लगी? आखिर तुम जो हो यहाँ पर, जान तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ऐसा लगता है? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लड़की जान में इंटरेस्टेड है, मेरी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कितना अच्छा है ना, चलो पास चल कर देखते हैं, शायद तुम मेरे लिए घर पर भी ऐसे ही करोगी। चलो। ये तुम क्या कर रही हो? चलो चल कर देखते हैं। हम लोग चल कर देखते हैं। चलो भी, कमो। सुनो तो। ओ, अब समझा कि तुम्हें आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। आउटडोर स्पोर्ट्स में और मेरी दिलचस्पी? हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इसमें काफी इंटरेस्ट रखती हो, ये सच है ना? असल में जान से मिलने से पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, और कैंपिंग वगैरह तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं थी। ये जान में इंटरेस्टेड है, वो लोग सुन लेंगे। और पता है, जान बहुत ही पॉपुलर था, उससे मिलने के लिए मेरे पास कोई वजह होनी जरूरी थी, इसलिए मैंने टाइपिंग के बारे में किताबें पढ़नी शुरू कर दी, और उसके साथ मैंने एक रिलेशन बनाने की शुरुआत की। कैंपिंग के बारे में ऐसी बातें की जैसे मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। काफी स्मार्ट निकले तुम तो। फिर हम दोनों दोस्त बन गए। ये तो झूठी भी है, इसने कितना झूठ बोला है जान के करीब आने के लिए। देखो जरा इसे, इस पे तो नजर रखनी पड़ेगी। तो वो सारी कैंपिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बिल्कुल झूठी थी, सिर्फ जान ही सच्चाई था। अयान, मुझे उकसाओ मत, कहीं हम यहाँ कुछ गलत ना कर गए इस जंगल में। इसे खोलो। उसने कहा पुरानी बात है, जाने। इसे पकड़ो। मैं इसकी वजह से इसे ठीक से महसूस नहीं कर पाई। बैठ जाओ यहाँ। उन दिनों जान के करीब आने के लिए मैं बहुत पागल थी, क्योंकि उसका दोस्त मुझे पसंद आ गया था। और इसी तरह मुझे कैंपिंग की आदत लग गई, जो छूटी नहीं है अब तक। उसके बाद मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बन गई। मुझे ये स्पोर्ट बहुत पसंद है, और मेरे पास इसका लाइसेंस भी है। क्या बात है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है। देखो, मैंने जो तुमसे कहा किसी से कहना मत, हम दोनों के बीच की बात है। ठीक है, डोंट वरी, ये सिक्योरिटी ही रहेगा। गामजा, जरा यहाँ आना प्लीज। आ रही हूँ। अरे मेरी दोस्त, तुम किस बारे में बात कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बात कर रही थी। मुझे लगता है तुम उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, है ना? सही कहा। पर वो इतना बुरा भी नहीं है। अरे मुझे ऐसे मत देखो, मुझे अच्छा लगा, काफी चार्मिंग है वैसे वो। ये तुम्हें चार्मिंग लगा? हाँ। ओके, तो मुझे लगता है तुम्हें इटालियन बोलना सीख लेना चाहिए। अच्छा तुम शांत हो जाओ। तुम भी नहीं कह सकती कि वो झूठी है, नहीं कह सकती, इस बात को कैसे साबित करूं? खोलो, कहाँ पर रखो? अरे ये सही है। ऐसे मत करो, उस तरफ ले जाओ। अरे क्या कर रहे हो, उस तरफ से पकड़ो ना। दूर हो। हाँ। पकड़ो। अरे बस आराम से। हाँ। ये खुलेगा कैसे? बॉम्बी को तो देखो, ये कैसा टेंट है। मिस गामजी, मुझे लगता है टेंट बनाना आसान काम नहीं है ना? नहीं, बहुत आसान है, बस बन ही गया समझो। इसे यहाँ रख दो। गामजा, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है, थोड़ा मुश्किल वाला ढूंढो ना। अरे नहीं, ये तो एक्चुअली सेनम को सिखाने के लिए कर रही थी। वैसे कभी कभी तो एक्सपीरियंस लोगों को भी मुश्किल आती है ना, सही तरीके से टेंट लगाना जरूरी है ना।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जब मैंने मिस गामजी को टेंट के आसपास घूमते देखा मुझे लगा वो कैसे करेगी इस परेशानी का सामना, पता चला ये तो बहुत आसान है। क्या तुमने अपना टेंट लगा? मैंने ये काम अयहान और जेजी को दिया है, मुझे ये मुश्किल वाले काम के बारे में सीखना है, इसको कैसे लगाते हैं ये सीखना है। हाँ मैं श्योर हूँ कि तुम ये आसानी से सीख जाओगी, पर जो मैं तुमसे चाहता हूँ वो है अच्छे और नए स्लोगन्स। मैं जरा टेंट चेक करके आती हूँ। जे अयहान ये काम बहुत आसान है, तुम लोग अभी तक नहीं कर पाए। हाँ पर कैसे करना? मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हाँ। उसे यहाँ रखो, मैं जरा जाकर चेक करके आता हूँ। जाओ जाओ। हम कॉफी पीने चले? हाँ ओके ठीक है ओके। हाँ क्या तुम अंदर हो? तुम इसे अंदर से उठाओ, यहाँ लिखा हुआ है। मैं बताती हूँ। उठाओ इसे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ ऐसा लिखा हुआ है सलेम, इस्तेमाल के लिए तैयार। तुम ये ढीला लग रहा है। जाने दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इसे कहाँ पर लगाऊं। इसे किसी तरह ठीक करना होगा। सलेम आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे नहीं बनाते टेंट। मिस सलेम क्या करिए आप? बस हो ही गया, थोड़ा सा ही काम बाकी है, हो जाएगा। मैं आपकी अगर थोड़ी मदद कर दूं तो? ठीक है फिर चले जाएंगे बाद में। हाँ ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ। जे जे मैं बाहर नहीं आ पाऊं। हाँ ठीक है इस तरह नहीं, मैनुअल में तो लिखा है कि अगर तुम आज बाहर आ पाई तो ही हम इसे पूरा करेंगे। हम बाहर आ गए। आपको पता है ये कैसे करते हैं? हाँ हाँ मैंने पहले भी टेंट लगाया है, पहले ये वाला सबसे पहले। हाँ ये स्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मिस्टर फाफरी बिल्कुल ठीक जगह है। ब्रावो मैंने अच्छे से टेंट लगा दिया है, आपने भी बहुत मदद की है, थैंक यू सो मच। हाँ आज बहुत कुछ सीख लिया है मैंने आपकी वजह से। और मुझे लगता है कि ये दोनों काफी करीबी दोस्त हैं। हा? अच्छा मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मिस्टर जान काफी सक्सेसफुल और अलग तरह के इंसान है ना, तो जाहिर है औरतें भी उनकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती हैं। क्या हुआ, जलन हो रही है आपको? मुझे? हाँ मुझे जलन क्यों होगी? दोस्तों से कोई जलता है क्या भला? ओ दोस्ती बड़ी मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि दोस्ती कई चीजों में बदल सकती है और ये बात तो सच है, और ये बात सभी दोस्तों के लिए सच है। हाँ चलिए दूसरे टेंट लगाते हैं। एमरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी समझ नहीं आ रहा तुम क्या सोच रहे हो, जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तुम जीतोगे कैसे? कैंप पर जाओ और उससे बात करो। मैं क्या करूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकता, वो मेरी इंसल्ट करेगा। नहीं क्योंकि इस बार तुम उसके भाई की तरह वहाँ नहीं जाओगे, इस बार तुम वहाँ जाओगे उसके बिजनेस पार्टनर की तरह जिसके पास उस कंपनी के 40% शेयर्स हैं। हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, पर ये करना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो एमरे जान को शायद तुम्हारी जरूरत ना हो पर कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, तुमने अपनी मॉम से वादा किया है, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और जो जरूरी है वो करना ही होगा एमरे। सही कह रही हो। तो क्या करोगे, तुम जाओगे? ठीक है मैं जाता हूँ, पहले कपड़े बदल लूँ, मेरी हालत तो देखो कैसी हो गई है, मुंह धो लेता हूँ। ओके अब लिया ना तुमने सही डिसीजन। ओ नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। जान तुम जरा ये देख सकते हो, मुझे मदद चाहिए। क्या हुआ डरन? मुझसे ये नहीं होता, मैं बेवकूफ हूँ। ऐसे कैसे नहीं होगा, पर सबसे पहले तुम्हें अपना मन बदलना होगा, बी पॉजिटिव ओके, पहले तुम इसे बांधो और इसके बाद तुम्हें इसे ब्लू के पास बांधना होगा। हाँ।
क्या आप मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं? मुझे कैंपिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और गामसा को तो सब कुछ कितनी अच्छी तरीके से आता है, उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कस्टमर ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे। मैं आसपास ही हूँ डैरन, जब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं आ जाऊंगा। डैरन चलो उसे बांध लेते हैं। ओके, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। हमें यहाँ अलग बिहेव करना होगा, हम ऑफिस में नहीं है, हम कैंपिंग करने आए, राइट? यहाँ हम ऐसे प्रोफेशनल होकर नहीं रह सकते, राइट? हम दोस्त भी तो हैं। पर मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। मिस आइलिन, जरा एक सेकेंड। हेलो मिस आइलिन, एजेंसी बंद है, अंदर कोई भी नहीं है। पता है, वो लोग कैंपिंग के लिए गए हैं। मैं यहाँ एक फाइल भूल गई थी, बस वही लेने आई। मिस आइलिन, मिस्टर जान ने कहा है कि आपका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको अंदर नहीं जाने देता। तुम्हारा नाम क्या है? फैडी। फैडी, सुनो फैडी, क्या है ना, बिजनेस लाइफ में रिलेशंस अक्सर बदलते रहते हैं, पर एक दूसरे के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन कभी नहीं बदलता, समझ गए? मेरी एक फाइल अंदर छूट गई है, मैं वही लेने आई हूँ, और मुझे पता है कि मैंने कहाँ रखी है, अब जाकर उसे ले लूँ। पर मिस्टर जान, मिस्टर जान कैंपिंग के लिए गए हैं और वहाँ फोन काम नहीं कर रहा, तो तुम प्लीज इस वक्त मेरी मदद कर दो, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू, 5 मिनट में आती हूँ। हेलो गाइस, मैं हैव योर अटेंशन। हमारा एक नया प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं पोर्टेबल जीपीएस। इस प्रोडक्ट से हम सबको वोकल गाइडेंस मिलेगी। मैं आप सबको समझाता हूँ। हमने इस पूरे जंगल के रास्तों में कुछ झंडे लगा दिए हैं। हाँ? आपको इस प्रोडक्ट की हेल्प से वो झंडों को ढूंढ निकालना है। जो भी उन झंडों को इकट्ठा करके सबसे पहले यहाँ लाएगा वो इस गेम का विनर होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झंडों की जगह रजिस्टर्ड है, आप किसी भी मैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सब तैयार है तो गेम शुरू करें हम लोग। कौन कौन ज्वाइन करना चाहेगा, हाथ उठाइए अपना। मैं भी। क्या मुझे एक मिल सकता है? अरे अरे, मुझे तो इससे चक्कर आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए सही नहीं है। ये जीपीएस, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। ये क्या चीज है सनम?
तुम्हें ये GPRS ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तुम कैमरा ट्राई करो और उसके बारे में अपने पॉइंट्स लिखो, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम क्या कह रही हो सनम? ये नया GPRS उन लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई। मुझे कैंपिंग की आदत नहीं है, पर मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये ट्राई करना ही है तो कम से कम अकेली मत जाओ, ठीक है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने ये घड़ी गलत पहनी है क्या? अभी से शुरू कर दो ना, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, इससे आपको बैरोमीटर दिखेगा। ठीक है, क्या रिकॉर्ड किया आपने? कैसे, कोई प्रॉब्लम है? मैं मदद कर सकती हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मिस आइलीन आई। क्या इसकी कोई अलग टाइप भी होती है? मेरा मतलब ऑडियो नेविगेशन वगैरह, इससे मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सच में? अरे बाप रे, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये चश्मा, मुझे इनसे चैट हो रही है तो मैं ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, ये जगहों की लिस्ट है जहाँ पर आपको जाना है। ये बटन टाइम के लिए और ये वाला डायरेक्शन के लिए, इससे आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सनम, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अपने टारगेट पर फोकस करो और अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनो, ओके? ठीक है, आई बात समझ में? ओके ओके। ये उस दिन मुझे किसी और की तरह। सनम, तुम कहाँ जा रही हो? आज तो मैं रही हूँ। रुको हमारे लिए। अरे रुको तो। अरे चलो 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 चलो। ठीक है। जान, तुम भी हमारे साथ गेम में क्यों नहीं जुड़े? नहीं। क्यों? मुझसे हारने के डर से पहले ही हार मान गए? ये बात है क्या? नहीं, गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे अपने बराबरी के मुकाबले के लोग चाहिए होंगे। लगता है तुम मुझे कम समझ रहे हो। मैं कहीं तक भी तुम्हें टक्कर दे सकता हूँ। हाँ देखते हैं। दोस्तों मेरी बात सुनिए, मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरू कर दिया। अरे चलो, सॉरी। अरे तुम बॉम्बी, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो बस तुम देखती जाओ। नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलिए। नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता है। 100 मीटर के बाद ईस्ट की तरफ। हाँ शायद रास्ता सही है। तुम अपने आप को बड़ी माउंटेनियर बताती हो ना चिड़चिड़ चिड़िया। आप टारगेट से दूर जा रहे हैं। झूठी कही की। तुम माउंटेनियर्स क्लब गई हो, तुम डाइविंग क्लब भी गई हो, क्या औरत है? सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं होता? जब तुम घर में अपनी फैंसी गुड़िया के साथ खेल रही थी ना, तब मैं बाहर सड़कों पर खेल रही थी। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आप टारगेट से दूर जा रहे हैं, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़िए। साउथ ईस्ट की तरफ बढ़िए। साउथ ईस्ट? ये किस तरफ है? राइट की तरफ मुड़िए। राइट की तरफ मुड़िए। राइट में कोई रास्ता नहीं है। राइट की तरफ मुड़िए। नहीं नहीं, राइट में कोई रास्ता नहीं है। आप टारगेट से दूर जा रहे हैं। ये शायद लेफ्ट कहना चाहता है। राइट मुड़िए। हाँ मैं लेफ्ट में जा। ये क्या था? ईस्ट की तरफ मुड़िए। नॉर्थ ईस्ट? ये तो वही बात बोल रहा है सर जी। आप वही बात तीसरी बार दोहरा रहे हैं, शायद आपको और जानकारी देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? अगर हमें नॉर्थ का डायरेक्शन मिल जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी।
माय डियर रायहान, मैं कोई स्काउट नहीं हूँ, मैं नॉर्थ नहीं ढूंढ सकता, हमें वो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, अब हम क्या करेंगे? जी जी, क्या तो ये पेड़ पर स्केल्स किसके लिए हैं? ये कुछ तो इंडिकेट करते हैं। हाँ, मैंने इनके बारे में कहीं तो पढ़ा था। ये क्या बताते हैं? हाँ, तुम क्या कह रही हो आयहान? ये ह्यूमिडिटी के लिए है, हाइग्रोमीटर। ये और किस काम आ सकते हैं? हा? ये और किसी भी काम नहीं आ सकते, समझ रही हो ना तुम? नहीं नहीं, हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, पेड़ पर लगी हुई काई कौन सी डायरेक्शन बताती है। मैं फिर से स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, अंधेरा हो रहा है आयहान, अब हम क्या करेंगे? अंधेरा हो रहा है। जी जी, शांत हो जाओ, हम लोग साथ में है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप अपने टारगेट से दूर जा रहे हैं। सुनिए सर जी, आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं? हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे। आवाज ही बंद करता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रकृति के आसपास हमें शांत रहना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं एक बार जंगल में सो रहा था, प्रकृति नेचर मैंने कानों में फुसफुसा रहा था, मैंने नीचे से काफी देर तक उससे बात की। हाँ, फुसफुसाहट थी, शांत रहना बहुत जरूरी है। देखो ये फ्लैग मिल गया। जी जी, जी कहाँ हूँ मैं? बोलो कहाँ हूँ मैं, बताओ कहाँ हूँ मैं? आप अपने टारगेट से दूर जा रहे हैं। बड़े समझदार हो तुम तो, ये तो पहले से ही पता है। मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है, मैं पूरी तरह से गुम गई हूँ। आयहान, जी जी, कोई है क्या यहाँ? मैं रास्ता भटक गई हूँ, यहाँ क्या है? कोई है क्या यहाँ? ये क्या है? क्या है ये? तुम्हें कितने मिले? क्या बात है? मिले। क्या बात है? हमारे साथ ये तुम्हारा है, तुम क्या कर रहे हो? हम भी चलो मेरे साथ। किसी के पास इससे ज्यादा फ्लैग है बताओ तो। अरे यार, गाइस मेरी बात सुनिए, इस गेम के विजेता है मिस्टर जान, उन्होंने 6 झंडे वापस लाए हैं। अरे यार, खाना खा रहे थे। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। गाइस अभी कहीं मत जाइए, सनम अभी तक वापस नहीं आई है, किसी ने उसे देखा क्या? अनरीचेबल, सिग्नल नहीं है। गाइस शांत हो जाइए, हमें सनम को ढूंढना होगा, अलग अलग होकर ढूंढते हैं, ओके? ताकि हम ज्यादा एरिया कवर कर पाए। तो सारे दो दो की टीम्स में बट जाओ, अगर हमें 1 घंटे में सनम नहीं मिलती है तो हम वापस यहीं मिलेंगे, ओके? हमें शायद प्रोफेशनल टीम की जरूरत पड़े। चलो उस तरफ चलते हैं। सनम, सनम आखिर है कहाँ वो? सनम कहाँ गई वो? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ। मिस्टर फाबरी, इससे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है आपको उस तरफ जाना चाहिए। जाइए जाइए। कहाँ है वो? पता नहीं, पर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, समझी? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये उसे कुछ भी नहीं होगा, जंगल में आखिर क्या हो सकता है? पेड़ हैं, पत्ते हैं, झाड़ियां हैं, सांप हो सकते हैं, भेड़िए, हाँ यहाँ भेड़िए भी हो सकते हैं। अरे बाप रे, सनम, 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 तुम्हारी आवाज इतनी अजीब सी क्यों हो गई? हाँ शायद
चिल्लाने की वजह से सनम 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 चलो यार सनम 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 कहाँ हो तुम सनम सुन पा रही हो सनम 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 तुम ठीक हो सनम मुझे सनम मिल गई सनम मिस्टर जॉन सनम अरे हमें रस्सियां चाहिए सनम 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 चक्कर आ रहे मुझे चक्कर आ रहा आराम से कोई बात नहीं घबराओ मत ओके मैं यही हूं तुम्हारे साथ हम जल्दी यहां से निकल जाएंगे बस पांच मिनट दे दो मुझे ओके शांत हो जाओ आराम से सनम तुम ठीक तो हो ना हाँ। यहीं बैठे ही रहो मैं कुछ करता हूँ ओके वो आकर हमें यहाँ से निकाल लेंगे ओके हाँ से हम यहां से अभी चलेंगे ओके मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा तुम मुझे पकड़ के रखना हाँ पकड़ सकती हो ना पकड़ सकती हूँ चलो धीरे धीरे आगे चलेंगे ओके आराम से ओके ओके इजी इजी ठीक है हाँ ठीक है इस तरफ से ठीक हूँ मैं बहुत डर गई थी कोई बात नहीं अब तुम बाहर हो सनम तुम ठीक तो ठीक हूँ
नहीं आ रहा। कोई जरूरत भी नहीं है, मैं समझ गई हूँ। देखो देखो दिखाओ। इटली में हम पहाड़ों पर बहुत सारा वक्त बिताया करते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। अब तुम ठीक हो? हाँ। हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या तुम कहाँ चली गई? मैं बहुत डर गई थी। अब से तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। हमेशा? खासकर तब जब हम जंगल में होंगे। ओके? समझी। लंबे दिन के बाद इस कॉफी ने कमाल ही कर दिया, बिल्कुल तरोताजा कर दिया। क्या? और इस चाय ने भी कमाल कर दिया। तुम्हें चाय पसंद है और हमें कॉफी। सच कहा, पर ये थाइम टी है। वो अच्छा? इससे बॉडी को आराम मिलता है। ट्राई करोगे क्या थोड़ी? हाँ ठीक है, अगली बार जरूर ट्राई करूंगा। मुझे नहीं पता कि जंगल के बीचों बीच वहाँ गड्ढा क्यों था। वो गड्ढा नहीं था, ग्रैंड कैनियन था। तो मैं दिखाई कैसे नहीं दिया? मतलब इतना बड़ा गड्ढा था, पर जाने दो, मैं नहीं पूछूंगा। शायद शिकारियों ने बेर का शिकार करने के लिए वो बनाया होगा। वो तो नहीं मिला, पर तुम गिर गई। मॉम तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगी, मैं तो हमेशा ऐसे परेशानियों में डालती हूँ खुद को। तुम्हें चाय चाहिए? हाँ प्लीज। आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। तुम उसे नीचे से सपोर्ट दे दो। ठीक है। और इसे ऐसे पकड़ो ताकि दर्द कम हो। ठीक है, मैं यहाँ से पकड़ लेती हूँ। हाँ, अरे आ रहे हैं, देखो। जरा ये पकड़ना, मैं अभी वापस आता हूँ। यहीं रुकना। तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसे हो मेरे भाई? मैंने पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुमसे अकेले में बात करना। एमरे, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। ऐसी बात है, पर मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देनी है, तो बात तो करनी पड़ेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एमरे, मुझे नहीं जानना कि तुझे क्या बात करनी है। हमारे बीच अब कुछ भी कॉमन नहीं है, समझा? हमारी मॉम तो एक ही है ना हमारी। इसका उनसे क्या मतलब? हाँ, कहना क्या चाह रहा है भाई? वो सब कुछ जानती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जानती है एजेंसी में क्या क्या फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने शेयर्स मुझे दे दिए। क्या? सही सुना। इसलिए अब तुम मुझे फायर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी अब तुम्हारे जैसे ही राइट्स हैं। इमरे दफा हो जा। मुझे लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो। तुम चाहो या ना चाहो, पर मैं इस कंपनी का हिस्सा रहूंगा। तुझे कंपनी में वापस आने के लिए वो शेयर्स के अलावा बहुत कुछ चाहिए होगा जो तेरे पास है नहीं। अब चुपचाप यहां से निकल जाएगा तो ही अच्छा होगा। इस बात के लिए तुम बहुत पछताओगे, आई गारंटी यू।
माय डियर फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत रात है ना आज। आसमान में चमकते हुए तारे, ताजी हवा, हम कितने खुश हैं, कितने शांत हैं, वो भी एक साथ। पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा। हम यहाँ क्यों आए थे? अच्छा आइडिया ढूंढने। तुम स्ट्रेस्ड हो मैं समझ सकती हूँ, पर मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए एक जादुई तरकीब है। अपने मग्स लेकर आओ यहाँ पर, सबके लिए कॉफी बनाई है मैंने। आ जाओ लेकर आओ, जल्दी करो। चलो। हाँ ये लो। कितनी कमाल की रात है, एडवेंचर एडवेंचर सब कुछ। पर मिस्टर एमरिक को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ जी जी, बॉन अपेटीट। ये लो। हाँ तुम भी ये लो। दो दे दो। मजे करो। ये क्या है, ड्रिंक्स है? पता है मैंने इसमें थोड़ी अल्कोहल मिला दी है। मैं नहीं पी सकती, मुझे नींद आ जाएगी, मुझे अभी नहीं सोना। पर तुम्हें इससे नींद क्यों आती है? पता नहीं, पर मुझे जागते रहना है। ठीक है, तो मैं इसे किसी और को दे देती हूं। वो आप देख लीजिए। ओह मेरा सर। जान प्लीज शांत हो जाओ। गामजा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, उसने हमारी मॉम के शेयर्स के लिए ये सब। जान कोई बात नहीं, देखो गहरी सांस लो, शांत हो जाओ। जान तुम्हें इनादा वाली कैंपिंग याद है कि नहीं? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा था, उसने मुझसे माफी मांगने की कोशिश की थी, याद है तुम्हें? उस रात तुमने मुझसे क्या कहा था? हम नेचर में हैं, तारों के नीचे हैं। उस इडियट की वजह से अपनी रात खराब मत करने दो, वो जरूरी नहीं है। हाँ और मैंने तुम्हारी बात मानी, तब कुछ भी नहीं किया जा सकता था, फिर भी तुम्हारी बातों से मुझे बहुत मदद मिली थी। अब यही बात तुम पे भी लागू होती है ना? मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई के और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, पर जान ये जगह सही नहीं है। ये सब बातें यहाँ तो नहीं सुलझाई जा सकती ना, ये बातें अपने आप सुलझ जाएंगी, मेरी बात मानो। देखो इतने सालों बाद हम यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, शहर से इतनी दूर है, भीड़ से दूर है, उस बात को एंजॉय करो ना। हम यहाँ कितने खुश हैं दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, इस पल को एंजॉय करो ना, प्लीज मेरी बात मानो। तुम ठीक कह रही हो। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, थैंक यू। साफ पता चलता है कि मुश्किल वक्त में वो हमेशा चांद के साथ में होती है। कौन? हमारी टीम। हाँ काफी अच्छी है। नहीं टीम नहीं, मिस्टर जान और उनकी बात कर रहा था मैं। उनके आपस में बहुत बनती है, देखो ना कैसे उसने उसे शांत कर दिया। अच्छा हाँ? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। नहीं दिया तो उनकी तरफ देखो तो। सनम तुमने कुछ भी नहीं पिया है, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट जूस बनाया है, तुम इसे पी लो। ओह थैंक यू। तुम यहाँ बैठ जाओ ना। थैंक यू सो मच। तुम इसे पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जल्दी से इसे पी लो। मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ, तुम्हें चाहिए? नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू, तुम एंजॉय करो। ओके सी यू लेटर। इसका टेस्ट तो काफी अलग है। हाँ ये ऑर्गेनिक है, शहरों में हम फ्रूट्स का असली टेस्ट भूल जाते हैं। चलो खत्म करो इसे, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। पी लो पी लो। हाँ ठीक है, अब पूरा पी लो। हाँ जल्दी से, तुम्हें अच्छा लगेगा। जान आप क्या कर रहे हो? मैं वॉक करके आता हूँ। हम साथ में भी चल सकते हैं। अरे नहीं फिर से गलत टाइम मेरा, आखिर क्या होगा? उफ मुझे क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रही है, मुझे सोना नहीं है। सोना मत सनम, सोना मत। अच्छा रहेगा कि थोड़ा मैं
चल लेती हूँ। मुझे सोना नहीं है। ये क्या था? तू यहां क्या कर रहा है? मैंने पूछा तू यहां क्या कर रहा है? कैसे हो मेरे भाई? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। एमरे, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। अब चुपचाप यहां से निकल जाएगा तो ही अच्छा होगा। मिस डेरन ने इसमें काफी अच्छे फल डाले हैं। इतने बुरे भी नहीं है, बल अच्छे हैं। आखिर जंगल जंगल में अकेला रहने से कौन नहीं डरेगा, पर मैं तो बहुत ही बहादुर हूँ। ये लोमड़ी है क्या? लोमड़ी है? अरे ये सांप है। जंगल में ये सांप। मिस्टर जान। सनम। जान, मिस्टर जान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वॉक करने आई हूँ। नेचर में वॉक कर रही हूँ। काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तुमने कुछ पिया है क्या? फ्रूट जूस। फ्रूट जूस पिया तुमने? Are you sure से फ्रूट जूस है इसमें? अरे मिस डेरन ने स्पेशली मेरे लिए बनाया है। और आपको उससे क्या? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना मिस्टर बॉस। मुझे लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपने कैंपिंग एरिया को क्यों अकेला छोड़ दिया? आपने अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया। वो कहा है बॉम्बे गामजी, निकनेम जैसा लगता है। वो आपने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात आप पर नहीं जचती। आपको उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसके साथ होना चाहिए। वैसे भी आपकी उससे अच्छी बनती है। हाँ मैंने नोटिस किया है, आप उसके साथ बहुत खुश रहते हैं। मुझे पता है। चलो कैंप एरिया में वापस चलते हैं। रियली? मेरा दोस्त वहाँ पर है, उससे मेरी फिक्र होनी चाहिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं एक्चुअली वो रीजन से नहीं, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें नींद की जरूरत है। जान डेविड, पानी सोता है पर दुश्मन कभी नहीं सोता, ये जरूरी है। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है ना? अगर जमती नहीं है तो इतना पिया मत करो ना उल्लू। अगर तुम अभी भी नहीं समझते तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मेरे हो।